आरवी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। मेरे से बात किए बगैर या मेरे हाँ बोले बगैर कुछ नहीं होगा, पूर्वी के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं। साहिल का फोन, क्या करूं? मिस्टर आरवी, नेहा को अकेले समझने की गलती मत करना। हम एनजीओ की सारी संस्थाएं उसके साथ हैं। और आप जैसे मर्दों के खिलाफ जो औरतों को अपनी जागीर समझते हैं, खिलौना समझते हैं कि जब मन में आया खेल लिया और जबरदस्ती कर ली, नेहा अबला नारी नहीं है और अकेली तो बिल्कुल नहीं है। हम सब उसके साथ हैं और हम सब मिलकर उसे इंसाफ दिलाएंगे और तुम्हें सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की? और आपको क्या लगा था कि नशे की हालत में एक लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, कुछ नहीं किया मैंने। आप अमीर लोग यही बातें करते हैं। और आप सब इस हैवान के परिवार हैं। अरे कैसा परिवार है आपका जहां घर के मर्दों को औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार करने दिया जाता है? बताइए आप लोग, बताइए। और आप लोगों में से इनकी माँ, भाभी, बहन कोई भी हो सकती हो, लेकिन आप औरत हो ना, तो एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो आप उसके खिलाफ कैसे हो सकती हो? अरे आपने तो उसका साथ देना चाहिए। चरित्रहीन हो। और आप बताइए मिस्टर आर्मी, अब नेहा क्या करेगी? कौन करेगा उसके साथ शादी? आपने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक मिनट, आप लोग देर से आए इसलिए आप लोगों को कुछ पता नहीं है। नेता को इंसाफ मिल रहा है, हो रही है उसकी शादी, आरवी कर रहा है उसके साथ शादी।